नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रमान। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार की समस्याओं को लेकर के बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर होते नजर आए, और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में अभी मानसून सत्र जारी है और इसको लेकर के पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से भी कर ली गई है कि सदन में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर दिल की बात साझा की है, जिसमें तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर के तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ये लिखा है कि पिछले 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद ये सरकार ना तो दो राहे पर है और ना ही चौराहे पे खड़ी है। बिहार में 40 लोकसभा सांसद है, इसके बावजूद बिहार के युवाओं के हित के साथ मजाक किया जा रहा है। आपको विस्तार से बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट कर करके एनडीए सरकार को क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दिल की बात कही, जिसमें सीधा निशाना एनडीए की सरकार की तरफ है। उन्होंने लिखा है कि बेरोजगारी की समस्या आसमान छू रही, एक तरफ बिहार का युवा हताश, निराश और परेशान है, तो दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार का सरकारी नौकरियां समाप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। डबल इंजन सरकार 19 लाख नौकरियों का वादा पूरा क्यों नहीं कर रही। नेता प्रतिपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से बिहारवासी क्या कम परेशान थे कि सरकार के घटक दल, मंत्री और नेता प्रतिदिन आपस में ही लड़ने झगड़ने में व्यस्त और मस्त रहते हैं। बिहार के सत्तारूढ़ दलों का आपसी झगड़ा राज्य हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हितों को लेकर है, जिससे केवल और केवल जनता और बिहार को नुकसान है। बिहार ने इन्हें 40 से 39 लोकसभा सांसद, अगर इनमें राज्य हित की भावना, नैतिकता और जज्बा होता तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज जैसे अहम मुद्दों के लिए क्या ये केंद्र सरकार से नहीं लड़ते। साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज, लगातार बढ़ता पलायन, बिहार में उद्योग धंधे की कमी और बेरोजगारी को भाजपा बस चुनावी मुद्दों के तौर पर इस्तेमाल करती है, लेकिन सत्ता में आते ही ज्वलंत मुद्दे भूल जाते हैं और ध्यान भटकाने के लिए अपनी नुरा कुश्ती में लग जाते हैं। ये अपने 17 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी क्यों नहीं करते। अग्निपथ योजना लागू करने के कारण सैन्य बलों का गर्व से हिस्सा बनने वाले युवाओं से उनका आत्मसम्मान, गौरव और आत्मविश्वास छीना जा रहा। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर ठेके पर नौकरी करने वाला एक गरीबी से मजदूर और विकल्पों से हताश 4 साल का मजदूर बना देगा, जिसका ना कोई गौरवशाली इतिहास होगा और ना ही कोई सुनिश्चित भविष्य। दुख की बात है कि बिहार के करोड़ों युवा जिस अनदेखी और सामाजिक असुरक्षा से भरे अग्निपथ और बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं, उसका भाजपा के नेता उपहास उड़ा रहे हैं। एनडीए संघ और भाजपा के शीर्षस्थ नेता नहीं चाहते कि बिहार एक समृद्ध सूबा बने। जनसंख्या, भूगोल और लोकसभा में बिहार से कम सीटों वाले छोटे प्रदेशों में विकास कार्यों के लिए बिहार से अधिक राशि आवंटित की जाती है और बिहार के 39 लोकसभा सांसद गूंगे, बहरे और अंधे बनकर बैठे रहते हैं। पूरे देश में बिहार सबसे युवा प्रदेश है। यहाँ की 60% आबादी युवाओं की है। बिहार और बिहार का युवा अब गांधीनगर, नागपुर और दिल्ली के आगे नहीं झुकेगा। कम सीट वालों को 40 लोकसभा सीट वाले बिहारियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे।